लग्जरी ब्रांड्स के जो असली कंज्यूमर्स है वो रिच पीपल या अल्ट्रा रिच पीपल है ही नहीं जो इन ब्रांड्स के गुड्स जाकर खरीदते हैं। इसका जो असली कंज्यूमर है, इसका जो असली मार्केट है वो है हम जैसे मिडिल क्लास और पुअर पीपल जो इन ब्रांड के पास जाते हैं, इनके गुड्स खरीद लेते हैं एक्सपेंसिव एक्सॉर्बिटेंट प्राइस पे। हमारे पास इन गुड्स को पे करने के लिए या इन गुड्स के लिए पे करने के लिए पैसे ही नहीं होते। हम इन गुड्स को इंस्टॉलमेंट पे खरीद लेते हैं या EMI पे खरीद लेते हैं एंड देन बस हम सफर करते हैं आगे। कभी सोचा है हम इन गुड्स को जाकर क्यों खरीदते हैं? ये लग्जरी ब्रांड्स की ऐसी क्या साइकोलॉजी है, इनकी क्या ऐसी मार्केटिंग टैक्टिक्स है जिसकी वजह से हम सारे जाकर जो इन गुड्स को अफोर्ड भी नहीं कर सकते? मेरे हिसाब से ऐसा कोई भी मिडिल क्लास इंसान नहीं है जो 5 लाख वाली बैग को अफोर्ड कर सकता है या 50,000 के शूज को अफोर्ड कर सकता है। तो ऐसी क्या मार्केटिंग टैक्टिक्स है, जो साइकोलॉजिकल गेम्स है जो लग्जरी ब्रांड हमारे साथ खेलते हैं जिसकी वजह से हम सारे जाकर इन लग्जरी ब्रांड्स का प्रोडक्ट जाकर खरीद लेते हैं? इसके बारे में बात करते हैं। पहला जो है वो है वेबलिन इफेक्ट। इफेक्ट मतलब क्या कि हाई प्राइस इज इक्वल टू हाई क्वालिटी। लोगों को क्या लगता है कि जैसे कि किसी भी कमोडिटी का प्राइस हाई है इसका मतलब उसकी जो क्वालिटी है वो भी हाई होगी, तो इसकी वजह से लोग हाई क्वालिटी वाले हाई प्राइस वाले गुड्स को प्रेफर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी को लगता है कि किसी भी गुच्ची का बैग जो है वो 5 लाख रुपीज का है तो लोगों को लगता है कि अगर वो बैग 5 लाख का है तो उसकी उस तरीके की क्वालिटी भी होगी, वो लॉन्ग लास्टिंग होगा एंड देन फिर लोग जाकर उसे खरीदने का सोचते हैं। लेकिन ये गलत है। इसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स वाले लैंग्वेज में वेबलिन इफेक्ट भी बोलते हैं, जो बस एक इल्यूजन होता है। अगला जो साइकोलॉजी जो ये लग्जरी ब्रांड्स हमारे साथ खेलते हैं वो है, ये हमें ब्रांड नहीं बेचते, ये हमें एक फीलिंग ऑफ अचीवमेंट बेचते हैं। जैसे कि कोई भी इंसान हो, अगर कोई भी इंसान 5 लाख की घड़ी जाकर खरीदेगा तो उसे एक फीलिंग ऑफ अचीवमेंट आएगी। क्यों? क्योंकि उसने कुछ किया है और वो मेहनत कर कुछ अर्न किया है एंड देन वो उस अर्न किए हुए को स्पेंड कर रहा है, और जब वो इन लग्जरी ब्रांड पर स्पेंड करता है तो उसे एक फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कभी भी चीप गुड़ जाकर खरीदते हो, जब भी आपने अर्निंग की है तो आपको एक फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट नहीं आएगी। बट लग्जरी ब्रांड्स के केस में ये कम्प्लीटली अपोजिट है। तो इसकी वजह से जो है मिडिल क्लास कंज्यूमर्स होते हैं जब भी अर्न करते हैं वो जाकर मोस्ट ऑफ दी अपनी इनकम लग्जरी ब्रांड्स पर स्पेंड कर देते हैं। वो ऐसे अच्छा एक्युमुलेट नहीं करते, वो वेल्थ एक्युमुलेट नहीं करते, वो लग्जरी ब्रांड्स पर स्पेंड कर देते और उनके लिए लाइबिलिटीज क्रिएट करते। इनफैक्ट ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि ऐसे बहुत से मिडिल क्लास लोग हैं जिनके पास ये लग्जरी ब्रांड्स अवेलेबल है और उन्होंने इन चीज़ों को EMI पे लिया हुआ है। लग्जरी ब्रांड्स जो होते हैं इनका एक बहुत अच्छा फैन बेस होता है, ये एक अच्छी ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट कर रखते हैं अपने कंज्यूमर्स के बीच में और उन लोगों के बीच में जो इनके कंज्यूमर्स है भी नहीं। लग्जरी ब्रांड्स हर लोगों को एक सपना बेचते हैं, वो उन्हें ऐसे दिखाते हैं कि अगर आप हमारे लग्जरी प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो आप लाइफ में सुपीरियर हो, आप कोई लाइफ पे लेफ्ट में एक लेवल पर पहुंच गए हो। तो ऐसे बहुत से मिडिल क्लास पीपल होते हैं या ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन्हें जो वो लेवल पर पहुंचे हुए नहीं होते लेकिन उन्हें उस लेवल वाली जो है वो फीलिंग एक्सपीरियंस करनी होती है। तो वो क्या करते हैं कि जाते हैं कि महंगे महंगे गुड्स खरीद लेते हैं एंड देन वो अपने पास रख लेते हैं। लेकिन ये महंगे गुड्स जो वो खरीदते हैं उसके लिए वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्राइस पे कर लेते हैं। कुछ लोग तो EMI पे ले लेते हैं, कुछ लोग कुछ लोन पर रख कर ले लेते हैं। लग्जरी ब्रांड्स मोस्ट ऑफ दी लोग शो ऑफ करने के लिए खरीदते हैं, उन्हें शो ऑफ करना होता है कि हाँ उनके पास बहुत सारी वेल्थ है। तो ऐसे भी हो सकता है कि लोग फर्स्ट कॉपी खरीद लेंगे एंड देन उसे शो ऑफ करते हैं, लेकिन लोग ये प्रेफर नहीं करते। ये रियलिटी वाली बात है। लोग ये प्रेफर क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्हें लग्जरी ब्रांड, जब भी वो लग्जरी ब्रांड के गुड्स खरीदते हैं तो उन्हें ऑथेंटिक गुड्स खरीदने होते हैं, उन्हें रियल गुड्स खरीदने होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगा है कि जब वो रियल गुड्स खरीदेंगे तभी वो सुपीरियर हो पाएंगे, तभी उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ पाएगा। और ये कॉन्फिडेंस को खरीदने के लिए मिडिल क्लास लोग या बहुत से लोग जो इन गुड्स को अफोर्ड नहीं कर सकते वो जाकर इन गुड्स को खरीद लेते हैं, जो रियल फोन जाकर इन गुड्स को खरीद लेते हैं एट द रियल प्राइस। वो सोचते भी नहीं है कि वो इसकी फर्स्ट कॉपी खरीदेंगे या ये खरीदेंगे। नहीं, लग्जरी ब्रांड्स ने अपने आपको पोजीशन ही ऐसे कर दिया है जिसकी वजह से लोग इसके पीछे पागल है। अगला जो रीजन है जिसकी वजह से लोग लग्जरी ब्रांड्स की तरफ प्रेफर होते जा रहे हैं वो है फियर ऑफ मिसिंग आउट। जैसे कि लोग आसपास अपने आसपास देख रहे हैं, बहुत से लोग होते हैं जो लग्जरी ब्रांड्स का यूज कर रहे हैं और वो लोग लग्जरी ब्रांड्स का यूज कर रहे हैं तो वो लोग सोचते हैं कि हम क्यों नहीं इन ब्रांड्स का यूज कर रहे हैं, वो लोग हमसे सुपीरियर है क्या, ये है क्या। तो वो ऐसे जाकर वो लोग जो इन ब्रांड्स को अफोर्ड भी नहीं कर सकते। ऐसा कोई भी मिडिल क्लास इंसान नहीं है जो 50,000 के शूज अफोर्ड कर सके, जो 5 लाख की वॉच अफोर्ड कर सके, तो भी वो जाकर उन सारे कंज्यूमर्स को देखकर जाकर स्टोर में इन ब्रांड्स के प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं और इन्हें खरीद लेते हैं एंड देन इन्हें कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इसके पीछे एक ग्राउंड रियलिटी होती है कि वो लोग इन प्रोडक्ट्स को अफोर्ड नहीं कर सकते। आजकल बहुत से इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो लग्जरी ब्रांड्स को यूज करते हैं एंड देन लग्जरी ब्रांड्स इन्हें पे करते हैं कि आप हमारे ब्रांड की एडवर्टाइजिंग कर दो, जिसकी वजह से लोग भी इन्हें ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करें। क्योंकि आजकल बहुत से लोग होते हैं जो इंजीनियर, तो इसकी वजह से जो मिडिल क्लास ऑडियंस होती है, जो इनकी टारगेट होती है, वो जाकर फिर लग्जरी गुड्स को खरीद लेती है। तो इसकी वजह से जो इनका जो लग्जरी ब्रांड्स का जो सेल है वो बस बढ़ता ही जा रहा है। ये बिलियंस ऑफ डॉलर का प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। LV का जो CEO है वो करेंटली इस दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन है। ये ऐसे क्यों पॉसिबल है? क्यों?
क्योंकि हमारे जो प्रेफरेंस है वो लग्जरी ब्रांड की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। हमारी इन ब्रांड को खरीदने की अफोर्डेबिलिटी भी नहीं है, तो भी हम इन ब्रांड्स की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि इन ब्रांड्स ने इस तरीके से उनको पोजीशन किया हुआ है। ये हमें एक फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी देते हैं, ये हमें एक फीलिंग ऑफ अचीवमेंट देते हैं, हमें लगता है कि इनके गुड्स जो है हायर क्वालिटी के हैं, या फिर हमें ये शो ऑफ करने में मदद करते हैं। तो यही सारे रीजन है जिसकी वजह से हम लग्जरी गुड्स खरीदते हैं। कोई भी लग्जरी ब्रांड प्रोडक्ट नहीं बेचता, वो सपने बेचता है, वो ड्रीम्स बेचता है। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग होते हैं, जब कोई भी इंसान इन लग्जरी ब्रांड्स को जाकर खरीदता है तो बाहर लोगों में दिखाता है कि हाँ मैंने इस ब्रांड के कपड़े डाले हैं, हाँ मैं ये ब्रांड यूज़ करता हूँ, ये बहुत एक्सपेंसिव है। तो लोग सपने देखना स्टार्ट कर देते हैं, लोगों को लगता है कि हाँ एक दिन जब हम भी इनकम अर्न करेंगे या हम भी कमाएंगे तो हम भी ये सारे ब्रांड्स को खरीदेंगे एंड देन हम भी शोकेस करेंगे। तो जो मिडिल क्लास लोग होते हैं या जो बाकी लोग होते हैं जो इन गुड्स को अफोर्ड नहीं कर पाते, वो इन ड्रीम्स या इन चीज़ों के झांसे में आ जाते हैं एंड देन वो इनके गुड्स को जाकर परचेज कर लेते हैं एंड देन बाद में सफर करते हैं। वो उन्हें एक फेक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट देती है। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि लग्जरी गुड्स बेकार है, लग्जरी गुड्स अच्छे होते हैं, बस बात इतनी है कि ये जो लग्जरी ब्रांड्स हैं इनके कंज्यूमर्स जो हम सोचते हैं कि रिच काइंड ऑफ पीपल, वो नहीं है। इसके जो मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स है, इनफैक्ट 90% ऑफ द कंज्यूमर्स जो है, इसके हम जैसे मिडिल क्लास लोग ही है जो इन ब्रांड्स को जाकर कंज्यूम करते हैं। आपके जैसे लोग हैं इन ब्रांड्स को जाकर कंज्यूम करते हैं एंड देन एक्सॉर्बिटेंट प्राइस पे कर बाद में सफर करते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रूफ क्या है? इसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि अमेरिका में बहुत लोगों ने अपने क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट कर दिए, और जब रिसर्च की तब ये पाया गया कि 90% ऑफ देम वर यूजिंग लग्जरी ब्रांड्स, और उन्होंने लग्जरी ब्रांड्स के प्रोडक्ट खरीदने के लिए लोन ले लिया था। ये तो स्टैट्स प्रूफ कर रहे हैं। तो एट द एंड लग्जरी ब्रांड्स की हार्श रियलिटी यही है कि इनके जो रियल कंज्यूमर्स है वो रिच पीपल नहीं है, ये हम जैसे पुअर और मिडिल क्लास लोग हैं जो जाकर इनके प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं। यही लग्जरी ब्रांड्स की एक हार्श रियलिटी है।